भाजपा नेता गुड्डेलाल दुबेश की आवाज पर लोकसभा सीट से प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ मजबूत करने की अपील की। लोकप्रिय पूर्व विधायक जो दो विधानसभाओं से रहे हैं, श्री गुड्डेलाल दुबेश जी के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही हजारों की संख्या में प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आज यहाँ पर इनके नेतृत्व में मुझे समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं गुटारी लाल दुबेश जी का जीवन भर आभारी रहूँगा। और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है तो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में और ये लोग हैं। ये आज मैं समझ रहा हूँ, मैं 20,000 लोगों को संबोधित कर रहा हूँ और मैं इनसे वादा करता हूँ, नए पुराने का भेद ना रखते हुए इनके विकास और निजी कार्यों को जीवन भर करूँगा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वो उनके बीच से होकर कई बार लोकसभा में चुनकर सांसद बने हैं। वो दलित आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। इस दौरान पूर्व विधायक गुड्डेलाल दुबेश ने भी लोकसभा चुनाव में प्रोफेसर साहब के हाथों को मजबूत करने की बात कही। मैं जोन कोऑर्डिनेटर 1996 था, बहुजन मूवमेंट यहाँ पर चलाया है तो लोगों के घरों में जाने का मुझे मौका मिला। मूवमेंट से जुड़े होने के कारण दो पीढ़ियों से राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ और राज्यसभा का भी सांसद रहा हूँ। वो नजदीकियाँ आज मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हो रही हैं। निवास पर तीसरी मीटिंग है और युवा कार्यकर्ता मैंने बुलाए हैं जो मेरे चाहने वाले हैं। मैंने अनुरोध किया है कि इस लोकसभा सीट को एसपी सिंह बघेल साहब खड़े हैं भारी बहुमत से जिताकर भेजें, जिससे कि पूरे देश में नाम होना चाहिए और प्रदेश में तो होगा ही, क्योंकि बघेल साहब एक जमीनी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, मेरा साथ दें। मैंने अनुरोध किया है तो मेरा अनुरोध सारे कार्यकर्ताओं ने, सर्व समाज के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया है तो मैं तो गदगद हो जाता हूं कि आज भी मेरे एक कहने पर सुबह 9 बजे, क्योंकि शाम को तो इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन सुबह 9 बजे इकट्ठा होकर मेरे साथ इस समय खड़े। गुड्डेलाल दुबेश के आवास पर आयोजित सभा में शहर भर से लोग मौजूद रहे। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।